तो ही गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो चलिए हम लोग मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज गाइस यहाँ पे 27 दिसंबर है एंड आज किसी का भी एक्सपायरी नहीं है। आज के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हुआ करता था, बट ड्यू टू मंथली एक्सपायरी के कारण बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी कल है, ठीक है। क्योंकि कल बैंक सारा एक्सपायर होगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट मंथ का, दिसंबर मंथ का। सो आज कोई भी एक्सपायरी यहाँ पे गाइस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन ग्लोबल मार्केट मतलब नाइट में कहाँ पे ट्रेड किया है। डाउजोन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डाउजोन यहाँ पे ग्रीन में क्लोजिंग देखने को मिला है, 0.43% अप है एंड 37,545 पे क्लोजिंग हुआ है। 159 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, यहाँ पे लगभग फ्लैट खुला है एंड फ्लैट खुलने के बाद काफी अच्छा है यहाँ पे अपसाइड की ओर क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। लास्ट टाइम थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग आया, तो काफी अच्छा यहाँ पे डाउजोन ट्रेड किया है। एंड नैसडैक को भी हम लोग देखे तो नैसडैक भी आई थिंक काफी अच्छा ट्रेड यहाँ पे किया है। तो ग्लोबल मार्केट बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यूएस मार्केट ही देखते हैं, यूरोप उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस मार्केट काफी अच्छा ट्रेड किया है। एंड अब चलते हैं इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, वन डे के कैंडल में निफ्टी में एक बिग कैंडल बनने के बाद लगातार यहाँ पे जो है लगातार 3 कैंडल लगातार बुल कैंडल्स बन चुका है एंड अभी सुपर जो रेजिस्टेंस जोन है इसके आसपास यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। क्योंकि 500 पे काफी अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। आज देखने वाली लेवल्स होगा कि 500 क्रॉस कर पाता है क्या, ठीक है, या फिर यहाँ से दोबारा सेल ऑफ आता है, ठीक है। ओके, तो निफ्टी में उतना ज्यादा बेटर दिख नहीं रहा है एंड अपसाइड का ट्रेड, सो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं हम लोग निफ्टी। एंड चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर है यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल जाता है। इनसाइड कैंडल में ट्रेडिंग थोड़ा सा बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इनसाइड कैंडल का जिधर साइड भी यहाँ पे ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकअप होता है, जिधर भी बोल सकते हैं ब्रेक डाउन या फिर जिधर भी साइड ब्रेक होता है, उधर की साइड हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इजी है बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना। आपको देखने वाली बात होगा किधर की साइड ब्रेक कर सकता है। वैसे जिस प्रकार से डाउजोन यहाँ पे ग्रीन में है, तो उस प्रकार से आपको यही दिखेगा कि मार्केट अपसाइड की ओर यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। 820 से ऊपर जैसे निकलता है, फिर उसके ऊपर जैसे खुलता है, ज्यादा बड़ा गैप अप अगर नहीं होता है तो बस ले इसको बाय कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर आपको कोई रेजिस्टेंस भी नहीं दिख रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी काफी अच्छा यहाँ पे है और ट्रेंड लाइन का भी आई थिंक ब्रेक डाउन ब्रेकअप यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे दिखेगा आपको एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो आज देखने वाली बात है मार्केट कहाँ पे खुल रहा है गाइस एंड उसके ऊपर सस्टेन मार्केट कर रहा है, तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो बस ले आप अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। एंड चलते हैं फिर निफ्टी पे। फिर निफ्टी पे भी गाइस वही है, यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है एंड इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियसली हम लोग बाय कर सकते हैं, जो अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा फिर निफ्टी के केस में। ऑब्वियसली यहाँ तक का 570 रुपये तक का यहाँ पे हम लोग टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फिर ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है बाय करो, इसके ऊपर का यहाँ पे टारगेट आपके पास होना चाहिए। एंड बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो इसका ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो टारगेट इसका जितना ट्रेल कर सकते हो ट्रेल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। एंड राउंड लेवल के हम लोग टारगेट की बात करें तो यहाँ पे 48,500 तक हम लोग टारगेट प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड बस सही हो गया। एंड बाकी चीजें देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे बाकी चीज में क्या ही ट्रेड करें, मिड कैप वगैरह तो हम लोग कर नहीं रहे, सेंसेक्स वगैरह भी कर नहीं रहे। तो आज के दिन हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी पे ही ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। एंड फिर निफ्टी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। आज का मार्केट ट्रेड करना ज्यादा आसान है और आज कोई एक्सपायरी भी नहीं है, तो जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन से बाय करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाएगा। एंड आज का मार्केट आई थिंक आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है वन डे कैंडल में, जिधर साइड ब्रेकआउट हो रहा है आप उधर साइड ट्रेड कर सकते हो। जहाँ पे इनसाइड बना वहीं पर ट्रेड कीजिए, बाकी जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा ईजी ट्रेड से हमें फाइंड आउट करना है। आपको सबसे ज़्यादा ईजी ट्रेड्स बैंक निफ्टी में दिख रहा है एंड फिर निफ्टी में दिख रहा है। देखिए अगर मार्केट यहाँ पे नॉर्मल इधर गैप अप इधर का आसपास खोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसी कंडीशंस में आपका यहाँ पे फिर निफ्टी में थोड़ा सा बड़ा गैप अप आपको दिख सकता है, तो
तो थोड़ा सा यहाँ पे टेलेंट से दूर हो जाएगा, तो आपका एसएल जो होगा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के निकल रहा है तो ट्रेडिंग और ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि तब क्या होगा एसएल काफी ज्यादा छोटा होगा इस स्विंग्स के नीचे, आप लोगों का यहाँ पे एसएल हो जाएगा ये स्विंग या फिर ये स्विंग के आसपास, आप अपना एसएल डाल सकते हो एंड काफी अच्छा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ठीक है गाइस, देखते हैं मार्केट आज कहाँ पे कैसे ट्रेड करता है। ठीक है, ओके एंड बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।